अस्सलाम वालेकुम, आतिफ मंगेश अपनी 42nd एपिसोड के साथ। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका समझना और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरत है, ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले आपको व्हाट्सएप की तरफ से एक एग्रीमेंट रिसीव हुआ होगा, 5 या 6 या 7 तारीख को। जिन लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया उनको बार बार अलर्ट्स आ रहे होंगे कि आपने एग्री करना है इसको बिफोर 8th of February तक। ये एक 4 लाइनों का एक अलर्ट जो कि मासेस ने, बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में बगैर पढ़े एग्री कर लिया होगा। और अगर कोई एग्री करना चाहता है हमें कोई इतराज़ नहीं है, यानी कि मैं, हम लोग खुद भी, आजकल कौन ऐसा नहीं है जो मोबाइल स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करता हो और उसके पास व्हाट्सएप ना हो और वो इसको इफ़ेक्टिवली और अपनी कम्युनिकेशन के लिए फ्रीली यूज़ कर रहा हो। मैं हमेशा यही कहता हूँ अपने जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग होते हैं, हम लोग हमेशा उन चीज़ों की तरफ भागते हैं जो कि फ्री होती हैं। और मैं हमेशा इस तरफ पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। आपको अगर कोई चीज़ सर्विसेज फ्री मिल रही हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई चीज़, देखें कोई भी बिज़नेस बगैर कमाए कुछ नहीं कर सकता, और अगर वो शुरू में कमा नहीं रहा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऐसी सर्विसेज लॉन्च करनी है और कि उससे वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, हर बिज़नेस जो डेवलप होता है वो बेसिकली रेवेन्यू जनरेशन के लिए होता है। तो लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग बिल्कुल सादा से लोग हैं, हम लोग एक समझते हैं कि नहीं, ये जो ईमेल सर्विसेज हैं हॉटमेल जीमेल या ये फ्री हैं, जी फ्री हैं, लेकिन इसके पीछे भी आप देखें कि बहुत सारे कमाने के ज़रिए मौजूद हैं जो आप लोगों को पता नहीं लगते। अब ये आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये एक अचानक जब आपने व्हाट्सएप 5 तारीख के बाद, 5 जनवरी के बाद खोला तो आपको एक अलर्ट आया कि जी आपने ये नई प्राइवेसी पॉलिसीज एग्री करनी है। और मज़े की बात यह है कि आप अगर उसको डिसएग्री करेंगे 8 फरवरी भी आ जाती है और आप उसको उससे एग्री नहीं होते तो आपकी व्हाट्सएप सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी, आपका जो प्रोफाइल है इसमें से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब अपने आप से पूछिए, अपने दोस्त यारों से पूछिए कि सबने बगैर देखे बगैर पढ़े उन सब चीज़ों को एग्री कर दिया होगा। ठीक है, ये होता है इसी तरह है कि जब आप बहुत सारी फाइनेंशियल आप जाते हैं ना, क्रेडिट कार्ड बनवाने या बैंक लोन लेने या इस तरह की चीज़ें लेने, कोई भी सर्विस लेते हैं, तो एक बहुत लंबा बड़ा बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एग्रीमेंट आपके सामने रख दिया जाता है और कहते हैं जी आपने बस इसके साइडों पर ये साइन करने और आपका लोन या आपका क्रेडिट कार्ड या चीज़ें, आप क्योंकि आप इस वक्त वो सर्विस लेना चाह रहे होते हैं तो आप उसको बगैर पढ़े। कभी किसी ने पढ़ा है बैंकिंग लोन का या एग्रीमेंट, ये जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनते हैं इनके एग्रीमेंट्स में क्या कुछ लिखा होता है? नहीं पढ़ा होगा ना। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी यही होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई ऑनलाइन सर्विसेज सब्सक्राइब करते हैं तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो नीचे लिखे हुए होते हैं उनको एकदम बगैर पढ़े एग्री का चेकबॉक्स टिक कर देते हैं। और ये जो सर्विसेज हैं पिछले कई सालों से, जो फेसबुक है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत अरसे से अपनी जगह बना चुके हैं हमारे माशरे, हमारी जो जनरेशन है वो पूरी एक उसी ज़मानों में पैदा हुई है जब ये सोशल मीडियाज थे। उनको तो लाइफ विदाउट सोशल मीडिया शायद वो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे अब अगर हम अपने दौर में देखें तो हमने जब आँख खोली तो टेलीफोन मौजूद था, घर में कोने में टेलीफोन पड़ा होता था, तो हमें शायद उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि पहले घर में टेलीफोन होता था या नहीं होता था, या टीवी को कह लें आप, टीवी के बगैर घर नहीं हमने देखा कभी। तो इस तरह अभी जो जनरेशन पैदा हो रही है 2004 के बाद, जो ये जितने एकदम प्लेटफॉर्म्स आए तो इनके पास ये जो जनरेशन है इन्होंने तो ये चीज़ें देखी, इनके बगैर ज़िंदगी देखी ही नहीं ना, तो ये एक इनके बगैर ये रह नहीं सकते, तो इनको अब वो चीज़ का नहीं है कि ये अब देखें। मैं आता हूँ, वरना तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसकी तरफ आता हूँ कि इसको समझना क्या है। एग्रीमेंट देखें, आपको मालूम है कि व्हाट्सएप
फेसबुक का पार्ट है और उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया था, जिस तरह इन्होंने पहले इंस्टाग्राम को किया। अब ये तीनों कंपनीज एक जैसी हैं। आने वाले वक्त में जो डेटाबेस है, बल्कि ऑलरेडी डेटाबेस है, वो बहुत वैल्यूएबल है। यानी कि इसकी कदर उसी तरह ही है जिस तरह सोना चांदी नहीं होता कि आप डायमंड होते हैं। तो जिस कंट्री के पास, जिस अदारे के पास, जिस कंपनी के पास ज़्यादा डेटा होगा कंज्यूमर्स का, लोगों का, वो उतनी तेज़ी से अपने डिसीजंस बन कर सकते हैं लोगों के लिए और लोगों को अपनी तरफ मतवजा कर सकते हैं। देखिए ना, अब ये कंपनीज पिछले कई सालों से आपका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं पूरी, उसमें अभी आप देखेंगे ये वैरायटी ऑफ तरीकों से, अगर चाहे आप ये इन पे सोच लेते हैं कि ये आपका डाटा आगे सेल नहीं करते या आगे किसी को थर्ड पार्टी को नहीं देते, ये एग्री भी करते हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी आपने देखा पिछले 5 साल से फेसबुक कितनी बड़े ट्रायल से गुजर रहा है, क्योंकि जब अपने मुल्क पे बात आती है तो इनकी पॉलिसीज डिफरेंट हो जाती हैं। और अभी हाल ही में जो कल या परसों जो कैपिटल वाशिंगटन में हालात हुए हैं ट्रंप की तरफ से हुए और ये हुए, तो इन सोशल मीडियाज़ का जो रिएक्शन था वो देखने वाला था। तो क्योंकि वो इनके अपना, इन्होंने बिल्कुल उसी तरह बिहेव किया जिस तरह लोकल कंपनीज होती हैं। तो उसके लिए मैंने मेरा दूसरा एक चैनल मैंने शुरू किया, उसमें मैंने तफसील से पॉलिटिकली और उसको एक्सप्लेन किया, लिहाजा इस चैनल में मैं ज़्यादा टेक्निकली रहना चाहता हूँ। तो इसमें मैंने ये देखा कि अब जो नई पॉलिसी आई है ना, इसमें अगर आप इसको एग्री कर लेते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें अपनी इंफॉर्मेशन की इजाज़त दे रहे हैं व्हाट्सएप को, इन टर्म्स के गूगल इसको, फेसबुक को, कि वो उसको वैरायटी ऑफ तरीके से गैदर कर सके और इस्तेमाल करेगा आने वाले वक्त में। इसमें अब यहाँ तक देखें, पहले जब आप कोई मैसेज किसी को करते थे ना, तो अगर तो वो मैसेज जिसको आपने सेंड किया रेसिपिएंट तक पहुंच गया और उसने पढ़ लिया है, तो वो मैसेज सर्वर में से डिलीट हो जाता था। और अगर आप वो मैसेज अनसीन है, आपने जिसको भेजा है वो उसने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो इनकी पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी के हिसाब से वो 30 डेज तक रहता था सर्वर के ऊपर, पड़ा रहता था, उसके बाद ख़त्म होता था। तो अब जो नई पॉलिसी आ रही है, इसमें आपका डाटा सर्वर में हमेशा रहेगा, क्योंकि वो फेसबुक सर्वर्स तक एक्सेस जा रहा है, आपने पढ़ा होगा इसको। तो क्योंकि आपकी जो जितनी भी सर्विसेज हैं जो फेसबुक में अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह आपका डाटा जो है सारा फेसबुक सर्वर्स पर चला जाएगा और फेसबुक की ही सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया भी जा सकता है। अभी मैं उसकी तरफ आऊँगा कि वो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अब आपका डाटा जो है वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा इनके बाद में यूजेज के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये कहते हैं कि जी, जब होता ही है कि जब तक वो बीच में होता है डाटा, आपने जो सेंडर और रेसिपिएंट के दरमियान होता है, वो इनक्रिप्टेड होता है, और इनक्रिप्टेड होता है महफूज होता है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी उसको हैक नहीं कर सकती। तो ये एक पॉइंट इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट था। दूसरी चीज़ अगर मैं इसमें देखूं तो इन्होंने एक और सर्विस जो इसमें आप लोगों से, हम लोगों से एग्री करवाया है, वो है कि हम एक तो फेसबुक की तमाम सर्विसेज में आपका डाटा इस्तेमाल हो सकता है। फिर तीसरी बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी ख़तरनाक बात उसमें यह है कि ये आपकी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर मोबाइल, वो पहले भी करते हैं, अब क्योंकि महफूज हो रही हैं, आपका मोबाइल कौन सा है, आपका ओएस कौन सा है, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मोबाइल में कहीं ना कहीं पड़ी है वो, आपका टेलीफोन नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो भी जा रहा है। तो उसके बाद आपका जी, आप जिस नेटवर्क में, अब देखिए नेटवर्क कहाँ तक एक्सपेंड होता है, आप अपने घर में हैं तो आपने वाईफाई लगवाया हुआ होगा, तो वाईफाई किसी राउटर चल रहा होगा, तो ये राउटर की इन्फॉर्मेशन भी गैदर करेंगे, राउटर की इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, और प्लस अगर उस राउटर के साथ कोई ऐसा शख्स भी कनेक्टेड है जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है या फेसबुक नहीं है,
तो ये उसकी भी प्रोफाइलिंग पहले से कर लेंगे। यानी कि अगर मेरे घर में या मेरे ऑफिस में कोई साहब आए हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपका वाईफाई एड्रेस, वाईफाई पासवर्ड क्या है, जैसे हम अमूमन मांगते हैं हर जगह जाके, तो वाईफाई जैसे ही उन्होंने ऑन किया तो व्हाट्सएप जो है वो उनकी भी, अगर तो उनको वो उनकी प्रोफाइल पहले से मिल जाएगी तो फिर तो ठीक है, अगर उस बेचारे के पास व्हाट्सएप है भी नहीं तब भी उसकी इन्फॉर्मेशन सारी उठा ली जाएगी। तो ये एक बड़ा स्केरी चीज़ है इसमें कि राउटर और सारी लोकेशन। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ आ रही है वो है लोकेशन। देखिए होता ये है कि पहले तो आप ये करते थे ना कि लोकेशन शेयर करते थे, लोकेशन शेयर करते थे। अब उन्होंने एग्री कर दिया है, दो चीज़ें की हैं उन्होंने, आपसे एग्री करवा लिया है कि आप लोकेशन आपकी लाइव शेयरिंग होती रहेगी अगर आप ऑन कर देंगे, ठीक है, लाइव शेयरिंग होती रहेगी। और अगर आप नहीं भी करेंगे शेयर तो हम अपनी जो सर्विसेज की वजह से, अपनी सर्विस प्रोवाइडिंग की वजह से आपकी आईपी के थ्रू आपकी इस लोकेशन मॉनिटर करते रहेंगे। इतनी खतरनाक बात है कि आप हर वक्त, आपको ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, बिजनेस है, ये आपको मॉनिटर कर रही है कि आप कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे हैं। आप दूसरी गूगल की सर्विसेज में जाऊँ तो वो भी ऑलरेडी आपको सारी कर रही होती है। अब तीसरी चीज़ आपने, मैंने जिक्र किया कि इनको यहाँ तक पता लग जाता है कि आपकी बैटरी में कितना दम है, यानी आप बैटरी इस वक्त किस लेवल पर है, तो इसका मतलब ये है। और फिर ये बैटरी के साथ छेड़छाड़ी भी कर सकेंगे, ये भी एक, मैं अगर बहुत इन डेप्थ में जाऊँ तो वो जो हम साइबर क्राइम वगैरह में पढ़ते हैं ना कि जी बैटरीज ऑन की जा सकती हैं, बंद मोबाइल्स को भी ऑन किया जा सकता है, तो ये चीज़ अब आप लोगों को प्रूफ होती नज़र आएगी कि हम बहुत सारी डिवाइसेस जो आने वाले वक्त में हैं वो हम रिमोटली सारा कुछ उसको, और आप, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि अब हम जो चार्ज है वो भी ट्रांसमिट कर सकेंगे आने वाले कुछ वक्त में, कि अगर आप किसी को जिस तरह पैसे भेज देते हैं ना ऑनलाइन, या क्रेडिट भेज देते हैं कि जी मोबाइल क्रेडिट, तो इसी तरह आप अगर किसी, आपका दोस्त, उसकी बैटरी ख़त्म हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा चार्ज भी भेज देंगे। अगर ये बहुत आगे की बात है, अभी इसमें बात नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें मैंने देखी है वो ये कि आपको पता ही है, क्योंकि बात ये हो गई है कि अब ये फेसबुक का हिस्सा है और सारी हमारी सर्विसेज जो हैं व्हाट्सएप अब फेसबुक को दे रहे हैं, तो फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी तो आपको पता ही कितनी वीक है। पिछले 4-5 सालों से मैं, जैसे आपको बताया कि जिस तरह उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्वेश्चन हो गई है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो ये भी हमें अब डिसाइड करना है कि हम अपना डाटा जो है वो फेसबुक के सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर नहीं कर रहे तो हमें सर्विस से हाथ धोने होंगे और हमें किसी अल्टरनेट सर्विसेज की तरफ जाना पड़ेगा अगर हम इसे एग्री नहीं करते। लाइव लोकेशन का मैंने आपको दिया 8 फरवरी, आपको मैंने बता दिया कि यू आपके पास आखिरी डेट है, अदरवाइज यू विल आउट ऑफ द सर्विस। अब उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने की है कि मिनिमम एज इन्होंने 16 कर दी है। आप 16 ईयर से छोटे अगर हैं, अगर आप 16 साल से कम उम्र हैं, तो आप व्हाट्सएप सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको पता है कि हम इन चीज़ों में इतने डूब चुके हैं, इतने हम यूजेज हो चुके हैं, हमारा बच्चा जैसे ही 11-12 साल का होता है, या कई घरों में तो इससे भी छोटे में हम मोबाइल्स और वो सारी चीज़ें उनको दे देते हैं, और बहुत सारी दूसरी डिवाइसेज हैं जिनके में ऑनलाइन लोकेशंस वगैरह सब कुछ होती है। कुछ डिवाइसेज बनाई इसी लिए जा रही हैं कि बच्चों को लोकेट किया जा सके, तो ये भी एक मुश्किल कदम होगा कि हम आम लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, हम बहुत से दूसरे तरीकों से चीट करके अपनी डिवाइस को ये बता देते हैं कि यार हमारा जो यूज़र है वो 16 साल से ऊपर है, तो ये चीज़ भी हो गई है। सबसे ख़तरनाक चीज़ मैं इसमें आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि इन्होंने एक इसमें शिक डाली है, वो ये डाली है कि आपको किसी वक्त भी बैन किया जा सकता है। यानी अगर व्हाट्सएप चाहे तो आपको, आपकी सर्विसेज किसी वक्त भी बैन हो सकती हैं अगर आपने कोई वॉयलेशन की, यानी कि कंट्रोल देखें कि अगर आपने कोई उल्टी सीधी चीज़ें शेयरिंग करना शुरू कर दी जो कि एंटी इनके खिलाफ हो सकता है, या कोई किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि
ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये अमेरिका अपने लिहाज से कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए तो ये बड़ी मुश्किल से राजी होते हैं ना, उसमें फ्रीडम स्पीच आ जाती है। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये कह दिया है कि आपको अगर बैन करना हुआ उन्हें तो ये विदाउट नोटिफिकेशन आपको बैन कर देंगे। तो ये भी अब आप जहन में रख लें कि अगर आपने कोई उल्टी सीधी चीज़ें इसमें शेयरिंग बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की तो आप बैन भी हो सकते हैं। वो ज़ाहिर है रिपोर्टिंग होगी या कोई इसमें कोई जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हर मुल्क की, वो उनके साथ कोई किसी किस्म का नेटवर्क क्रिएट होगा। और लिहाजा अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये ज़्यादातर जो सूरत हाल इस वक्त अमेरिका में आने वाले वक्तों में पॉलिटिकल जा रही है, ये उस हिसाब से मुझे लगता है कि जल्दी में सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं नेटवर्क के, कम्युनिकेशन के, सोशल मीडिया के, इनको किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कंपनियां ग्लोबल हैं तो उसका इफ़ेक्ट पूरा ग्लोबली आ रहा है। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये इसी तरह की सूरत हाल के साथ दूसरे मुल्कों के साथ या दूसरे टॉपिक्स के साथ जो कि दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं उनमें इन प्लेटफॉर्म्स का क्या रिएक्शंस होगा जब कोई चीज़ रिपोर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक है, मुझे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकेशन शेयरिंग है, लाइव लोकेशन शेयरिंग, दैट इज़ वेरी डेंजरस समटाइम एंड समटाइम वेरी वेरी हेल्पिंग। तो हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ के नुकसान भी हैं। तो ये अब फैसला हम लोगों ने करना है कि हम अब किसी अल्टरनेट सर्विस की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, और अगर हम इसको ही जारी रखना है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें सिर्फ एग्री का बटन दबाना है और फिर हमारा सारा डाटा, लोकेशन, मोबाइल की सारी चीज़ें, मोबाइल कनेक्शन, लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं उन सब का डाटा प्रोफाइलिंग होना शुरू हो जाएगी और कम्युनिकेशन तो हो ही रही है। तो लिहाजा अब ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए थी। यही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि हम इसमें दो सबक ये हैं कि हम बग़ैर पढ़े चीज़ों को, ख़ासतौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और बैंकिंग में और इसमें हर चीज़ में आजकल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और बग़ैर पढ़े साइन कर देते हैं। लेकिन अगर आप साइन करना भी चाहते हैं यू आर फ्री, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि हो क्या रहा है आपके साथ, आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ, आपके डाटा के साथ, आपके फ़ोटोज़ के साथ, आपके जो डाटा जा रहा है, मैंने आपको बता दिया डाटा अब आपका रहेगा, क्योंकि वो डाटा फिर आगे फेसबुक यूज़ करेगा अपने दूसरी चीज़ों के लिए। देखें अब हम देखते हैं कि अब ये यूज़ कैसे इन्होंने करना है। अभी तो इन्होंने लिख दिया है कि जी हम एडवर्टीज़मेंट, थर्ड पार्टी एडवर्टीज़मेंट्स नहीं चलाएंगे व्हाट्सएप में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं क्योंकि फेसबुक में का सर्टिफाइड भी हूँ एड्स के उसमें, और मैं बहुत ज़्यादा हर वक्त कंपेन्स कंपनीज की चला रहा होता हूँ फेसबुक में जी, मुझे तैयारी नज़र आ रही है। मुझे जो फेसबुक के जो एड मैनेजर है और जो हमारे पास एक स्पेशल लिंक होता है जिसके थ्रू हम कंपेन्स डिज़ाइन करते हैं फेसबुक स्टूडियो वगैरह का, तो उसमें मुझे तैयारियां फुल नज़र आ रही हैं कि ये व्हाट्सएप का डेटा निकाल कर बड़ा अच्छे तरीके से इस कस्टमर को टारगेट करने वाले हैं। तो ज़रूर कुछ दिनों के बाद, अभी एक प्राइवेसी पॉलिसी आई है, कुछ अरसे के बाद एक और प्राइवेसी पॉलिसी का एग्रीमेंट आपके सामने आएगा और आप इसी तरह एग्री कर देंगे कि आप थर्ड पार्टी एड्स पैसे भी तो कमाने हैं ना। तो आप देखें कि एक एक डॉलर, दो दो डॉलर की चीज़ जो वो है एड्स जो फेसबुक पे चलते हैं उससे आप अगर हिसाब लगाएं तो दे अर्न बिलियंस। तो अगर उनको अब एक और बड़ा माइन्यूट, देखें उसमें टारगेटिंग होती है ना, जब अगर आप फेमिलियर हैं फेसबुक एड्स के साथ तो आप देखें कि आप इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर अभी आपने देखा लोकल, गूगल ने भी लोकल एड्स शुरू कर दिए, क्योंकि इन लोगों के पास इतना माइक्रो डाटा आ चुका है कि अब ये किसी भी लेवल पे, अब कल को ये इनके पास ये भी डाटा आ जाएगा, बल्कि होगा कि भाई ये जो ये वाले घर के लोग हैं इनको आप इस ये सर्विसेज दें तो आपको खुद ब खुद हाउस होल्ड जो आपका है एक उसको भी ये टारगेट करना शुरू कर देंगे कि आपके पास ये चीज़ नहीं है,
आपके पास ये लोग एल जी नहीं यूज़ करते, ये लोग तो पैनासोनिक यूज़ नहीं कर रहे, तो इनको पैनासोनिक थ्रो करो इनको, ताकि इस तरफ ले गए। तो इतने लेवल पे भी हम जा सकते हैं और जाएंगे। तो अभी तो इन्होंने लिख दिया फिलहाल के जी हम एड्स वगैरह थर्ड पार्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन आई एम डेट श्योर कि ये सारी तैयारियां उसी चीज़ की हैं। और डाटा ये बेसिकली हमें ऐसे ही लगेगा कि, और है भी कि ये एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन आपको पता है पीछे जब डाटा मौजूद है तो उससे बहुत सी चीज़ें हासिल की जाती हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इसको शेयर करें, इसको दोस्तों तक पहुंचाएं। सबको पता होना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर कोई एग्री है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं एग्री तो आपको कोई और सर्विस ढूंढनी पड़ेगी। 8 फरवरी याद रखिएगा। चलते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।